तो यहाँ पर अभी देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं लोन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इसमें एक मिनट ज़रा मैं इसको कंफर्म कर लूँ साउंड की क्वालिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है PMT। थोड़ा सा समझ लें, जैसे लोन अमाउंट कहते हैं कर्जे की रकम को, इंटरेस्ट कहते हैं जो उस पर सूद लग रहा होता है, और ड्यूरेशन उसका दौरानिया जो कि मंथ्स में होता है, और इंस्टॉलमेंट उसकी किस्त को कहते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को हमने डिलीट कर दिया, इसको हम आम इंग्लिश में तो ये चीज़ कह रहे होते हैं, बाकी फाइनेंशियल टर्म में इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसको कहते हैं रेट, और इसको कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड, और इसको कहते हैं पेमेंट। तो ये किस्त कैसे निकालेंगे इसकी, तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे फार्मूला, और यहाँ से जाएंगे फाइनेंशियल में, और यहाँ से क्लिक करेंगे PMT के ऊपर। तो जैसे ही PMT फंक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर से, और इसको कहेंगे रेट, तो रेट में रेट आ जाएगा, इन पर में ड्यूरेशन आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे। अब ये मैंने डिवाइड बाय 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेट को जब डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हमें एक महीने की किस्त निकाल के दे देगा इसकी। तो इसकी किस्त निकल आई 6,470 रुपये की। मतलब अगर आप 2 लाख का कर्जा लेंगे 30% के ऊपर 60 महीनों के लिए, तो 6,470 रुपये की 60 किस्तें आपको पे करनी होंगी कर्जे की अदायगी के लिए। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रेट को डिलीट कर देते हैं। वो 2 लाख का कर्जा है 60 महीनों के लिए, 6,470 रुपये की उसकी किस्त है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका रेट क्या है। रेट मालूम करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है रेट। तो जैसे ही आप इस रेट फंक्शन को लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे एन पर ड्यूरेशन, पेमेंट में पेमेंट बताएंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, और ओके कर देंगे। फिर बाद में इस फॉर्मूले को पूरे को डबल क्लिक करके मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो आपको ये पूरा एक्यूरेट अमाउंट निकाल के दे देगा 30% इसका रेट था। प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करने का क्या तरीका है, इसमें हम इसको डिलीट कर देते हैं, और 30% इसका रेट है 60 महीनों की, और किस्त 6,470 रुपये की है, और हमें नहीं पता कि ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो यहाँ क्लिक करेंगे PV का एक फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, और यहाँ से हम क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे रेट पर रेट, और एन पर पे ड्यूरेशन, और यहाँ पे पेमेंट में पेमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करके रेट को डिवाइड करेंगे 12 से और ओके करेंगे, तो देखिए पूरे 2 लाख रुपये हमें ये निकाल के दे देगा प्रिंसिपल वैल्यू। फिर कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन है एन पर जिसका नाम है, जो हमें ड्यूरेशन का निकाल के देगा एन पर। तो यहाँ से क्लिक करेंगे रेट पर रेट, पेमेंट पर पेमेंट क्लिक करेंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू पर प्रिंसिपल वैल्यू पर क्लिक करेंगे। फाइन फ्यूचर वैल्यू है नहीं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, ओके करेंगे, तो इसके महीने निकाल के दे देगा। फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का क्या तरीका है, 2 लाख का कर्जा है, 30% पे लिया है, 60 इसकी किस्तें हैं, और 6,470 रुपये की किस्त है, टोटल कर्जे की अदायगी कितनी होगी, इसको मालूम करने का एक तरीका है FV फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा FV, क्लिक करेंगे यहाँ से, रेट में रेट लेंगे, और एन पर में ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे पेमेंट पे पेमेंट बताएंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, और यहाँ से पीरियड को एन पर को डिवाइड करेंगे 12 से, इसमें एन पर को डिवाइड करना है 12 से, याद रखिएगा, ओके करेंगे, तो ये 6,84,071 रुपये आपको 5 साल में वापस करने होंगे फ्यूचर वैल्यू कलेक्ट कर देगा। इसके बाद इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने का क्या तरीका है, इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने का तरीका ये है कि 2 लाख का कर्जा है, 30% है, 60% 60 किस्तें हैं, और 6,470 रुपये की किस्त है, लेकिन लेकिन इसकी जो किस्त है इसमें से इंटरेस्ट में कितने पैसे जाएंगे, तो उसके लिए IPMT एक फंक्शन है जो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम लेंगे फंक्शन IPMT, और यहाँ से रेट पे क्लिक करेंगे, रेट लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे पर पे 1 लिखेंगे, क्योंकि एक किस्त पर मालूम कर रहे हैं, एन पर में ड्यूरेशन बताएंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, और इसमें रेट को करेंगे डिवाइड 12 से। तो कह रहा है 6,470 रुपये में से 5,000 रुपये इंटरेस्ट में चले जाएंगे, मतलब सूद में चले जाएंगे। तो फिर है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने का क्या तरीका है, तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ें पहले से क्लियर हुई हुई है कि हमें PPMT प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट कहाँ है, प्रिंसिपल पेमेंट, देखो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने का तरीका भी यही है जैसे IPMT को मालूम किया था। PPMT का एक फंक्शन लॉन्च करेंगे, इसमें हम रेट में रेट बताएंगे, और पर में 1 बताएंगे, और पर में बताएंगे 12, और प्रिंसिपल वैल्यू में बताएंगे, और इस पूरे रेट को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, और उसको ओके करेंगे। तो जैसे इसकी किस्त कितनी बन रही है, इसकी किस्त 18,911 रुपये की, उसमें से 4,000 रुपये तो चले जाएंगे इंटरेस्ट, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो है 14,911 रुपये हर किस्त में से आपके कर्जे में से कम होता रहेगा। तो ये फाइनेंशियल फंक्शंस मालूम करने का तरीका है, मतलब कोई भी लोन या रेट या प्रिंसिपल वैल्यू या फिर एन पर या फ्यूचर वैल्यू मालूम करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, या कहीं पर ले रहे हैं दे रहे हैं लेन की कर रहे हैं
इसके जरिए आप ये इजीली मालूम कर सकते हैं।